नमस्ते बच्चों, मैं लालचंद कहार, सह आचार्य हिंदी विभाग, राजकीय महाविद्यालय कोटा। आज हम समझेंगे कि हिंदी में व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ कौन कौन सी होती है। इस व्याख्यान से पूर्व भी हमने हिंदी की स्वर संबंधी अशुद्धियाँ और हिंदी के अन्य प्रकार की अशुद्धियों के बारे में हमने समझा। आज हम अशुद्धियों के इस तीसरे प्रकरण में व्यंजन की होने वाली वो सामान्य अशुद्धियाँ जो हम अक्सर करते हैं, उन अशुद्धियों के बारे में हम शुरू करते हैं। अगम अगम शब्द हम खूब बोलते हैं, लेकिन उसका शुद्ध रूप है अगम्य। इसी प्रकार अंताक्षरी खूब बोलते हैं, प्रयोग में लेते हैं, लेकिन अंताक्षरी के स्थान पर शुद्ध होगा अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। आशीष आशीष, इसमें दोनों स दंतव्य हमने बोले हैं, लेकिन यहाँ पर आशीष या स षटिकोण का अंतिम जो स है वो स षटिकोण का आएगा। इसके दो रूप हैं, आशीष और आशीष, ये दोनों ही शुद्ध है, लेकिन आशीष गलत है। अमावस अमावस शुद्ध है इसका, अमावस्या। अपराह्न, ये शब्द अक्सर लोग बहुत ही अशुद्ध लिखते हैं। अपराह्न, इसमें ने आदा नहीं है, इसमें है आदा है, ने पूरा है। इसी प्रकार अगला है आदेश। आदेश में शय तालव्य शय होता है, जिसको हम बोलचाल में शय शरबत का कहते हैं, तो आदेश ये होगा। इसी प्रकार इष्ट, इष्ट अपने देवता, अपने भगवान के अर्थ में, और शुद्ध होगा इसका इष्ट। शय षटकोण का मूर्धन्य जो शय है वो बोला जाएगा। इसी प्रकार अगला जो महत्वपूर्ण जो शब्द है जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है उपलक्ष। उपलक्ष इसको हम अक्सर बोलते हैं कि इस अवसर के या इस त्यौहार के उपलक्ष्य में हम ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उपलक्ष्य नहीं होगा, वो उपलक्ष्य। उषा, हम आवाज़ देते हैं किसी को, किसी के नाम से बुलाते हैं तो कहते हैं उषा इधर आना, जबकि वो होता है उषा, छोटा उ, उषा। ये तो व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, लेकिन इसमें भी ये आ गई है तो इसके बताएं कि हम बड़ा उ के स्थान पर छोटा उ लेते हैं। ये व्यंजन संबंधी अशुद्धि नहीं है, स्वर संबंधी अशुद्धि है। इसी प्रकार कटीला कटीला, ये अशुद्धि इतनी छोटी और बहुत ही बारीक है कि उसको सभी लोग नहीं पकड़ सकते, कटीला। अब इसमें क्या होगा, अनुस्वार होगा या चंद्रबिंदु होगा? इसमें चंद्रबिंदु होगा। चंद्रबिंदु क्यों होगा? क्योंकि चंद्रबिंदु उन्हीं शब्दों के ऊपर लगता है जो शब्द तद्भव शब्द होते हैं, तत्सम शब्दों पर चंद्रबिंदु नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पर कटीला चंद्रबिंदु ही
लिखी जाएगा। उच्चारण ही इसका कै 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 कंटीला नहीं है, न आधा नहीं है, यहाँ पे टे वर्ग का पंचम वर्ण न आधा नहीं है, कै कंटीला कंटीला ये उच्चारण इसका होगा, न कि कंटीला। क्योंकि अगर हम इसके ऊपर अनुस्वार लगा देंगे तो अनुस्वार प्रतीक होता है आधे पंचम वर्ण का, और टे के पहले अनुस्वार आया है तो टे वर्ग का पंचम वर्ण टे ठे डे ठे डे ण कंटीला ण, तो ण यहाँ पर आधा नहीं है, कैटीला है, तो यहाँ पर चंद्रबिंदु आएगा। इसी प्रकार कदम, कदम का पेड़ बोलचाल में बोलते हैं कदम्ब, वो होगा कदम्ब। करुणा, करुणा नहीं, यहाँ पर करुणा होगा शुद्ध। कलश, कलश नहीं होगा, चांदी का कलश, कलश नहीं होगा, कलश से शरबत का आएगा अंत में। ठीक इसी प्रकार काच, कांच, कांच में वही चंद्रबिंदु वाला नियम लागू होगा क्योंकि तद्भव शब्द है, और कांच ने छह वर्ण का अंतिम वो नहीं है, इसलिए पंचम वर्ण नहीं है ये, इसलिए यहाँ पर कांच होगा। कृतज्ञ, ग आधा और ये कृतज्ञ नहीं, ये नहीं होगा, कृतज्ञ घ्य घ्य शब्द होगा, जो संस्कृत परंपरा से पढ़े हुए हैं या जिनको संस्कृत की जानकारी है वो इस बात को जानते हैं कि ये जय है, जय और यह बना हुआ, मिलके बना हुआ है जय। तो इसलिए ये गे नहीं है, हार लेकिन हम हिंदी वाले इसका उच्चारण आधा गे और ये के रूप में करते हैं, इसलिए हम ये शुद्धि भी करते हैं। कृपया करके, या तो कृपया करके के स्थान पे कृपा करके ही लिखा जाएगा या केवल कृपया ही लिखा जाएगा। अगला जो शब्द है वो है गात, गात, गात का जगह होगा गात्र। गरिष्ठ ठे, गरिष्ठ ठे ठठेरा का होगा यहाँ पे। गिद्ध, गिद्ध। गांजा, गांजा, ये गांजा में चंद्रबिंदु आएगा, गांजा गांजा गां। देखिए जब चंद्रबिंदु आता है तो नाक से स्पष्ट अलग तरह की ध्वनि होती है, गांजा गांजा गांजा, और केवल उसमें अनुस्वार लगा हुआ होता तो उसकी अलग तरह की ध्वनि होगी। थोड़े इसको उच्चारण और अभ्यास से ही समझा जा सकता है, ऐसे नहीं समझा जा सकता। जैसे कि गांधी न आधा नहीं है यहाँ पर, वहाँ पर क्या होगा, गांधी चंद्रबिंदु होगा, गांधी। घनिष्ठ, मेरा वो मेरा घनिष्ठ मित्र है, घनिष्ठ ट नहीं, घनिष्ठ। इसी प्रकार चावल बनाइए, चावल खाइए, चावल नहीं होगा, चावल होगा, केवल चावल। इसी प्रकार छह, छह में विसर्ग लगा देते हैं, छह और विसर्ग, वो नहीं होगा, छह है तब जाके ये छह की संख्या होगी। इसी प्रकार जगत, जगत में तय पूरा नहीं होता है, जगत में तय के आगे हलंत लगेगा, ये हलंत संबंधी शुद्धियों में भी अपन ने इसको पढ़ा था। इसी प्रकार जोग, जोग को कहेंगे हम योग या योग्य। अगला महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है तड़ित, तड़ित शब्द में तय में हलंत आने पे तड़ित, ए तय पूरा नहीं है वहाँ पर, तय आधा है, तड़ित। इसी प्रकार त्यौहार, यहाँ औ की मात्रा
लगी हुई है, नहीं त्यौहार नहीं होगा, वो त्यौहार होगा, एक मात्रा होगी ओ की, त्यौहार। इसी प्रकार देखें दवाइयाँ, दवाइयाँ यहाँ केवल दवाई लिखेंगे तब तो बड़ी की मात्रा आएगी, लेकिन जब दवाइयाँ लिखेंगे तब वो बड़ी छोटी बन जाएगी। बड़ी के स्थान पर हम क्या लिखेंगे, छोटी, दवाइयाँ। दिनांक, दिनांक में चंद्रबिंदु आएगा या केवल बिंदु आएगा, अनुस्वार आएगा, दिनांक में केवल अनुस्वार आएगा, चंद्रबिंदु नहीं आएगा। दिन और धन अंक से बना है दिनांक, इसलिए यहाँ पर चंद्रबिंदु नहीं आएगा, यहाँ पर केवल अनुस्वार आएगा। इसी प्रकार आगे जो महत्वपूर्ण जो शब्द है वो है नींबू। नींबू में हम बिंदी लगा देते हैं नी के ऊपर, नींबू, नींबू नहीं, केवल नींबू, नींबू यही इसका शुद्ध रूप है। और निशुल्क, निशुल्क में कई जगह लिखा होता है जिसमें नी के बाद में विसर्ग लगा होता है और फिर शुल्क लिखा होगा, ये निशुल्क नहीं है, निशुल्क है, निशुल्क। यहाँ शह शरबत का एक आधा आएगा और दूसरा शह शरबत का पूरा आएगा, निशुल्क। निसंतान, यहाँ पर भी विसर्ग है लेकिन निसंतान, जैसे निशुल्क में एक सह बढ़ गया वृद्धि होगी, वैसे ही यहाँ पर वृद्धि होगी। निसंदेह में भी ऐसा ही होगा, निसंदेह होगा। नीतिवान, जी नहीं, नीतिवान अशुद्ध है और इसके लिए होगा नीतिमान, ये शुद्ध होगा। पांडे, पांडे एक सरनेम है, यानी कि उपनाम है ये जो नाम के पीछे लगता है, पांडे, पांडे नहीं है, पा अदर्ण है डे, पांडे, 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 ये जाके ये शब्द बनता है शुद्ध पांडे। यहाँ का डे चंद्रबिंदु नहीं आएगा, डे वर्ग का पंचम वर्ण आधा आएगा और ये डे ये भी आएगा अंत में, इस प्रकार ये पांडे शब्द बनता है। पांच, पांच में अनुस्वार आएगा, अर्ध पंचम वर्ण आएगा या चंद्रबिंदु आएगा, शुद्ध पांच लिखा जाएगा, उसमें चंद्रबिंदु आएगा। यहाँ पर न तो अनुस्वार आएगा न पंचम वर्ण आधा आएगा, यहाँ पर चंद्रबिंदु आएगा। हिंदी में पंचम वर्ण, अनुस्वार और चंद्रबिंदु, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो जिसको इन तीनों चीज़ों के बारे में जानकारी हो सही प्रयोग की, तो आधे से ज़्यादा शब्द वो इन्हीं से शुद्ध होते हैं। तो इनका सही प्रयोग सही जगह अगर कर लिया जाए तो आधी से ज़्यादा शुद्धियाँ तो वैसे ही पूरी हो जाएगी। अगला शब्द है पंडित, पंडित। यहाँ पर पंडित में अनुस्वार आएगा जो कि आधे टे वर्ग के पंचम वर्ण का प्रतीक है। वंदना, वंदना करो प्रभु की, वंदना होगा या वंदना होगा, वंदना। भाषा ये के बड़े, ये के एक ही मात्रा और चंद्रबिंदु, भाषाएँ नहीं, भाषाएँ। देखिए ई, ए और आ, इन तीन का प्रयोग जब हम शब्दों में करते हैं तब जैसे भाषा या गया, यहाँ पर ये आएगा उपयोग में, लेकिन गए, गए में ए स्वर ही लिखा जाएगा पूरा, ठीक वैसे ही यहाँ पर भाषाएँ नहीं, भाषाएँ, ए, ए के ऊपर चंद्रबिंदु लगेगा। अगला शब्द है
भागवत, भागवत में तय आधा नहीं होता है, तय पूरा होता है। महत्व, महत्व में दो आधे तय और वह, ये वाला रूप सही है। महंगाई, महंगाई, इसमें चंद्रबिंदु किस वर्ण पे लगेगा? इस पे चंद्रबिंदु लगेगा है के ऊपर। महंगाई उच्चारण करके देखने पर पता चलता है कि है के ऊपर लग रहा है, लेकिन लिखने में कभी कभार मैं के ऊपर भी लगा दिया जाता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। अगला शब्द है विषम। विषम से सड़क वाला इसमें आएगा, दंतव्य से या तालव्य से, तो मूर्धन्य से, तो यहाँ पर से शरबत का ही आएगा, नहीं से शरबत का नहीं, से षटकोण वाला मूर्धन्य से आएगा विषम। अगले महत्वपूर्ण शब्दों में है शासकीय। शासकीय यहाँ पर क्या आएगा? शासकीय, शासकीय, पहला शरबत वाला सा है, दूसरा सड़क वाला सा है, और की है शासकीय। बोलने में हम शासकीय ही बोलते हैं, यानी दोनों बार तालव्य शैव हम बोलते हैं, जो कि गलत है। शरबत यहाँ रे बै के ऊपर चढ़ा हुआ रेफ आधा नहीं लिखा है वो आएगा, या रे पूरा आएगा? शरबत, शरबत पूरा आएगा, क्योंकि रे पूरा बोला जा रहा है, शरबत रे पूरा बोला जा रहा है। इसी प्रकार षड्यंत्र, षड्यंत्र बोलने में हम कहते हैं कि उसने षड्यंत्र किया, जी नहीं, षड्यंत्र अशुद्ध है। षड्यंत्र डे के नीचे हलंत आएगा, षड्यंत्र, डे नहीं आएगा, डे आएगा और डे के नीचे हलंत आएगा, तो षड्यंत्र ये शुद्ध रूप है। इसी प्रकार अगला जो शब्द है सन्मुख, सन्मुख नहीं होगा, वो होगा सम्मुख, स आधा में और मुख सम्मुख। सिद्धि, सिद्धि, सिद्धि या सिद्धि, सिद्धि में द धनुष वाला आधा, द पूरा, द धनुष वाला तो पूरा है और द दवात वाला द वो आधा है, इसको आप ऐसे बोलेंगे सिद्धि। अगला शब्द है शिथिल, इसमें शिथिल नहीं बोलेंगे, शिथिल बोलेंगे, से शरबत वाला बोला जाएगा। और आज के इस प्रकरण को मैं यह समाप्त करते हुए एक अंतिम शब्द और आपको बोल के सुना रहा हूँ, हिरण्यकश्यप। ये शब्द आपने सुना होगा प्रह्लाद और उसके प्रसंग में, हिरण्यकश्यप, जी नहीं, शुद्ध शब्द इसका होगा हिरण्यकशिपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप नहीं होगा, हिरण्यकशिपु होगा, ये इसका शुद्ध रूप है। तो इस प्रकार से हमने देखा और समझा और इस प्रकरण में कि व्यंजन संबंधी कौन कौन सी अशुद्धियाँ को हम सामान्यतया करते हैं, लेखन में करते हैं, व्यवहार में बोलने में करते हैं, और ये शुद्धियाँ ज़्यादा अभ्यास के बाद में हमारी एक आदत में शामिल हो जाती है, तो हम अशुद्ध को ही लिखते हैं, शुद्ध को ही पढ़ते हैं और उसी को शुद्ध मानते हैं। तो आज के बाद इस प्रकरण को पढ़ने के बाद में आप लोग व्यंजन संबंधी अशुद्धियाँ जो सामान्यतः किया करते हैं वो अब नहीं करेंगे, और मैं आज का ये व्याख्यान यहीं समाप्त करता हूँ। अगले व्याख्यान में आपसे मैं फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए मुझे, नमस्कार।